ओम देवाना डिंद्रो। तीन सांसों के ध्यान के साथ आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। आप सभी को प्रणाम वंदन। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है आज के व्यायाम में। चलिए सूर्य नमस्कार से आरंभ करते हैं। ॐ भाने नमः। ॐ खगाय नमः। प्रातःकाल का अभ्यास सरलता से आज आपको पता होगा सुनाई देवी की क्या छठ पूजा है। और भाई यहाँ इच्छापुर गांव में पहले तो कोई भारतीय नहीं थे कि यहाँ के लोकल निवासियों के नाम से भारतीय हो गए ना। हमने आरंभ किया था यहाँ भारतीय लोगों का आने का, आज भरा पड़ा है। जाने का विचार है आपका क्रियो दूंगी बात में, कितनी भीड़ है तालाब पे। उत्सव हमारे आनंद का विषय होते हैं, इसलिए उत्सव सबको मनाने चाहिए। और उत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत लाभदायक होता है। आपका स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा ना उतने आप उत्सव अच्छे से मना पाएंगे। समष्टि को प्रणाम, समष्टि को नमन। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगत आधार, हे जगत निमित्ता, हे समष्टि, मैं आपकी शरण हूँ, केवल आपकी शरण। मुझे तेरा पूरा थैंक यू देंगे। आप देखिए कमर को आप पूरा उठा देंगे, बंद हो चुका है। और समस्ते को धन्यवाद। जल चर थल चर नव चर जड़ी बूटियाँ औषधियाँ वनस्पति सबको प्रणाम, सबसे क्षमा याचना, क्योंकि वो हमारे उपयोग के लिए हैं और हम उनको कई बार उपयोग नहीं करते हैं। वो सब कुछ देने को तत्पर है।
जो हम नहीं ले पाते उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और जो हम कई बार लेते उसको फेंक देते उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। किसी भी वस्तु का किसी भी चीज का सही प्रयोग होना सबको अच्छा लगता है। आज भुजंगन सब का अभ्यास हाथ मोड़ के कर रहे हैं, पैर पीछे सीधे हैं, पैर आपको डाल नहीं दे रहे, हाथ थोड़े मुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे नाभि के नीचे का हिस्सा उठ जाता है। आपका कितना उठ रहा कमेंट करके बताइएगा, और अभ्यास करेंगे तो और अधिक उठेगा। सामान्य सांस छोटी छोटी सांसों पे ध्यान करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, ओम सोम को जाप चले दीजिए, सांस भरते समय छोड़ते समय सोम, क्योंकि ओम ईश्वर का नाम तस्य वाचक प्रणाम। योग दर्शन बताता है, योग दर्शन का ऋषि कहते हैं कि ईश्वर का नाम ओम है। पैर के अंगुलियों पर, पैर के अंगूठे पे, हाथ के हथेलियों पे पूरा भार आ जाता है, और यह अभ्यास पेट के लिए, पेट के हड्डी के लिए, हर अभ्यास सूर्य नमस्कार का संपूर्ण अभ्यास लंबाई बढ़ाने के लिए, की हाइट वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, कि संपूर्ण शरीर के मसल्स मांसपेशियों को दया मिलता है, खिंचाव मिलता है, जिससे उनको बढ़ने में सरलता होती है। तो यदि आप पूरे अभ्यास ठीक से करेंगे तो होगा, यदि आपने आधा दुनिया के भी, कई बार लोग कहते हैं हम तो सूर्य नमस्कार 6 महीने कर चुके हैं, हमारी तो 1 इंच भी हाइट नहीं बढ़ी, अब आप देख लीजिए आपने कैसे किया है। यदि आपने ठीक से किया है और लाभ ना मिले तो कहीं स्वास्थ्य में पालन में गड़बड़ है। यदि हारमोन्स सही बन जाएंगे, क्योंकि हारमोन्स खाने पीने से भी बनते, आपके सोच विचार से भी बनते, तो सब चीज़ों का सही होना अनिवार्य है। ये वैसे ही अनिवार्य है, आपके घर में लाइट आती है, कहीं से आती है, कितने माध्यम होते हैं, उसमें कहीं एक वायर ठीक से ना जुड़ा हो, गड़बड़ हो, तो लाइट नहीं चल सकती। वैसे ही यदि एक भूल कर रहे हैं ना, तो हमें समाधान अपनी समस्या में नहीं मिलता है, और मिलता है तो आधा थोड़ा मिलता है। इसलिए यदि आप पूरा समाधान चाहते हैं तो पूरा पालन करें, ताकि आपको पूरा समाधान मिले। आधा थोड़ा पालन करेंगे, आधा थोड़ा समाधान मिलेगा। एक काम जिससे कभी कभी थोड़ा निकलने लग जाता है, उसको वापस करने सांसों पे ध्यान जहाँ स्थिर हो जाते हैं, अब तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब मेरा ध्यान इतना दृढ़ हो गया है, बीच में छूट गया है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ओ सूर्यदेव को प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं थोड़ा सा साधन दिया है, एक ही साधन दिया है। आपने देखा है मेरे पैर थोड़े ऊपर रहते थे ना घर में, आज थोड़े ज़्यादा पैर कहाँ गए, हाँ सही है, चलिए ठीक है। इस अभ्यास को आप 20-30-50-100 बार कर लीजिए, आपकी भूख अच्छे से खुल जाएगी, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, पेट का तंत्र सबल हो जाएगा, कलाई मजबूत होगी। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो जहाँ से हथेली दबती है ना, वहाँ भी आपके लीवर के, फेफड़ों के पॉइंट होते हैं,
जो दबने से आपको आराम मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वैसे उतना ही कर पा रहे थे तो कौन टिका रहे हैं आप? कहा ना, मुझे व्यायाम केवल करके नहीं दिखाना है, मुझे व्यायाम करना है। अब कितनी बार करना है ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि आपका सामर्थ्य है 20 का, जैसे मेरा सामर्थ्य कम है और 100 करूंगी तो आपको वीकनेस आएगी, आपको समस्या होगी। और जो पैर मुड़ते हैं हमको, ये हमारे जोड़ों के लिए, आप देख सकते हैं सांस तेज हो गई है लेकिन नाक से चल रही है। मुझसे सांस चलती अलग पता चलता ही देखिए, अलग पता चलता है, मुंह से सांस बिल्कुल नहीं ले रही, नाक से सांस चले वो आपके हित में है। कहा ना, अभी मेरा सामर्थ्य अधिक नहीं है, तो जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना है, अन्यथा चक्कर आएंगे, कमजोरी हो जाएगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सांस, नाक में तेल डालेंगे, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपके नाक से सांस अवश्य चलेगी। और हाँ, पेट का कोई भी व्यायाम पेट को साफ किए बिना नहीं करना होता है, इसलिए स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए ताकि आपका पेट साफ हो जाए। स्वास्थ्य नियम डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है। ठीक है, और यह आपके लिए समझना अनिवार्य है कि यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन उठने का प्रयत्न किया, नहीं उठ पाई इसलिए सांस अटक गई थी वहां पे, आप देखिए भूमि से भूमि पर पैर हूं तो उठाना और पहुंचाना दोनों सरल है, लेकिन ये भी नहीं पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं। इसका पूरा जो प्रेशर है ना पेट पे आ रहा है। हाँ, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो भाई देख के करें, जिसमें गर्भाशय का भी आंतों का होता है, कोई भी ऑपरेशन हुआ तो आपको संभालना ये है कि आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो अनुलोम विलोम कर लो, उससे भी लाभ होगा। अब ये नहीं हो पा रहा था मुझसे, कोई बात नहीं, जितना हो उतना करना है। अब पैर को ऊपर ऊपर ऊपर, अब हम भाई तुम मत सर को बनेगा, चलो वो धीरे धीरे सर कर रहा है, आपको ये जो व्यायाम का वीडियो मिलेगा ना उसके बाद कदाचित 2 दिन व्यायाम की वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज मैं मथुरा के लिए कर रही हूँ, कल सुबह 3 बजे मैं मथुरा पहुँचूँगी, तो 1 दिन मथुरा में, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे लखनऊ जाना है एक विवाह समारंभ में, और वहाँ वीडियो बनाने की सुविधा हुई तो बनाऊँगी, नहीं हुई तो नहीं बना पाऊँगी। तो अब आपको वीडियो प्रयास करूँगी कि बना लो, क्योंकि कुछ दर्शकों का कहना है दीदी अब गैप मत करो, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ व्यायाम करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं ना,
हम आपके साथ बड़ा अच्छा लगता। धन्यवाद आप लोगों का जो आप मेरे साथ करते हो, क्योंकि मैं अब आगे प्रयास करूँगी जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी ना फिर से कि भाई आपको योग कक्षा दे सकूँ, आधा घंटा एक घंटे के, एक घंटे के आधा घंटे की योग कक्षा से काम नहीं चलेगा। इसलिए वो मीट पे भी आप चाहें तो आप भी उसमें आ सकते हैं। मैं तैयारी, अब मुझे लेना कैसे नहीं आता है, सीखूंगी उसको भाई कैसे क्या करना है, ठीक है ना, कि सीखने से हर चीज़ आ ही जाती है। वीडियो बनाना भी कहाँ आता था मुझे, बच्चों ने सिखा दिया। निगर कदाचित आप पहचान ही रहे होंगे यदि आप गोपाली को जानते हैं तो, कि अभी मैं उन्हीं के घर में हूँ और ये मैंने जो कपड़े पहने ना वो पंडित की माँ के हैं क्योंकि मैंने अपने कपड़े पैक कर लिए हैं। रोज के व्यायाम उतने ही हैं, अधिक कुछ नहीं है। अब मैं भूल गई हूँ क्योंकि सामने घड़ी तो रखी, मैंने कितने बजे व्यायाम करना आरंभ किया था, शायद कदाचित मैंने आज 5:10 पे आरंभ किया था, मैं भ्रमित हूँ क्योंकि छठ पूजा है ना, मुझे तालाब पर जाना है तो मैंने सोचा व्यायाम थोड़ा शीघ्रता से कर लिया जाए, क्योंकि वैसे भी जगह मेरी बड़ी प्रिय जगह है, बचपन से जहाँ बचपन भी था और बड़ी जगह अच्छी लगती है वो, तो वहाँ तुम निकला मत करो, क्षमा करना, मैं अपने घर की हर चीज़ से बात करती हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे बोलना बहुत होता है, तो मेरे घर की हर चीज़ मुझे बताती है कि भैया तुम क्या करो कैसे करो, तो मैं हर चीज़ से बात करती हूँ। तो कहाँ से कर लो, उनसे भी बात करें, पता नहीं आपको ठोका तो आवाज़ आ गई होगी उसके बीच में। चलिए अब थोड़ा इसको और आगे ले लूँ ताकि सरके नहीं। अब जो भुजंगासन वैसे नहीं कर पाए ना वो ऐसे कर लें, ये देखिए सचमुच सहारे से कुछ चीजें हो जाती हैं। आज तो भाई पसीना आ गया, अर्थात आज गर्मी अधिक है। पीछे जाइए आराम से और आगे जाइए आराम से, सहारे से व्यायाम कर लेना चाहिए। और आपके पास जो साधन है, यानी कि ऐसा हो कि वैसा हो, कुछ नहीं, अरे गद्दे लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो कोई चौकी रख लीजिए उसके ऊपर कुछ चादर वगैरह बिछा लीजिए वो भी चलेगा। क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास मेरे घर में ये साधन नहीं, मेरे घर में कुछ और साधन है तो उसके साथ कर लेते हैं। तो व्यायाम अनिवार्य है, कैसे करें वो उतना अनिवार्य नहीं है। चलिए आप साइड पे हो जाते हैं, प्रयास करते हो उठने का, कैसे, पैर सीधे, क्योंकि नीचे से तो उठ जाते हैं, प्रयास के ऊपर से उठ पाती हूँ कि नहीं उठ पाती हूँ। सांस सामान्य चलने दीजिए, गति है तो कोई बात नहीं, बस उस पर ध्यान करिए जिससे आपका मन शांत रहे। एक तरफ हो गया, वैसे ही हम करेंगे दूसरी ओर से भी, दोनों पैर सीधे। ये प्रयास किया था मैंने, पहली बार किया है, अरे अरे बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कितना भी डिसबैलेंस हो रहा हूँ तो यदि आप ये बोले के कारण गड़बड़ हुई, हाँ हो गया। एक्चुअली परसों नर्सों की बात है, किसी ने
व्हाट्सएप पे कहा, दीदी आप जो व्यायाम के वीडियो डालते हो ना, आप जो लड़खड़ाते हो तो हमें लगता है कि हाँ हम भी लड़खड़ाएं तो कोई समस्या नहीं है। वरना जो परफेक्शन के बारे में वीडियो देखते हैं ना, उसमें लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे से कर, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पर आपके साथ वो मजा आती है कि भाई आप खुद लड़खड़ाते हो तो हमें लगता है कि हम लड़खड़ाएंगे तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, होगा, सब होगा। चलो चक्की चला लेती हूँ। हाँ, पैर चौड़े चक्की के लिए किए थे मैंने, क्योंकि क्या है ना, मैं कहा ना पहले से पीछे जाओ, कोई व्यायाम तय करके नहीं करते, क्योंकि ये करूँगी आज, बस मजा आता है वो कर लेने का, आनंद आए, बस आनंद का विषय होना चाहिए। सांस भर गई, सांस छूट गई, भर गई, दबने लगा तो छूट गई, भर गई, पेट दबा तो छूटने गई। सांस जो है ना मित्रों, बड़ी सहजता से चलती है, उसको पता है कैसे चलना है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ले के छोड़े वो सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बस ये देखते रहिए सांस लेते समय ओम, छोड़ते समय सोहम ओम। क्या करना है? अच्छा हाँ, मेरे भैया आए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो वो यहाँ तुलसी लेने आए, वो सुबह पूजा करते हैं ना, तो वो अब मैं भूल गई मैं किधर से कर रही थी। मम्मी को देख रही हूँ। हाँ, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ। अरे इधर से नहीं, वहां सामने कैमरा है, इधर से ना, इधर से जरा बैठो, बैठो एक मिनट बैठो। ये है गोपाली के पापा, मेरे छोटे भाई नहीं बड़े भाई। आप कह रहे हो छोटे करो, बड़ा हूँ नहीं, बड़े भाई से छोटे, छोटे करो। हमारा इस बात पे झगड़ा होता है कई बार। चलिए हम लोग बहुत झगड़ते थे बचपन में भी, और अभी भी झगड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। वो 53 के, मैं 50 की हूँ, चलेगा कोई बात नहीं, चलेगा। मैं 53 की, वो 50 के हैं, नहीं उल्टा बोलिए, मैं 50 की हूँ, 53 के हैं, बस कितना अंतर है, हफ्ते भर, वो 53 साल से हफ्ते भर कम होता है, 3 साल का गैप में वो हफ्ता और हो जाए। मतलब मेरा 27 सितंबर है, उनका 4 अक्टूबर का जन्म है, और नवरात्रि से देखें तो नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि का चौथा दिन, हम नवरात्रि वाले हैं सारे तीनों भाई बहन, वैसे तो 4 हैं पर चौथा जो छोटा है ना, मेरी माँ ने गोद लिया हुआ है। चलिए ये जो कहानी है ना, कुछ चीज़ें सामने आती है तो बड़ा मजा आता है। हाँ चलिए, अरे भाई ये सड़क रहा है एक्चुअली, बूट स्थिर नहीं हो पा रहा है मेरा आसन, ये यहाँ कुछ लगता है गड़बड़ है। हाँ तो मैंने चक्की से दोनों तरफ से चला ली, मुझे याद नहीं है, नहीं आ गया, चला ली तो चला ली, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चक्की सीधी चलाएंगे, ये छोटी वाली चक्की, पैर मोड़ के पर अच्छे से चलाएंगे, पीछे जाके आगे आएंगे, सांस भर गई, स्थिर हो गई, और ये छूट गई, छूटने लगी और ये छूट गई, भरी यहाँ स्थिर, छूटने लगी और ये छूट गई। मतलब कहाँ, पेट अपने आप व्यवस्था बना लेता है, हमारी सांसें अपने आप जानती हैं कब उनको भरना है, कब उनको छूटना है, बस आप तो अभ्यास करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सांसों पर विशेष ध्यान देने जाते हैं ना, कि भाई ये सांस लेनी है, यहाँ सांस छोड़नी है, तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ डिजिटल वॉच या वो मोबाइल की घड़ी मैंने खोल के रखी है, तो उसमें मिनट पता नहीं चलते हैं, सेकंड का कांटा नहीं है, सेकंड का कांटा हो ना तो वो सही पड़ता है। मेरी डिजिटल वॉच है, वो जो हम स्क्रीन को ऊपर से करते हैं ना, वो खोल के रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ छोटी घड़ी नहीं है, वो हो ना तो क्या होता है ना,
सेकंड से पता चलता है कितनी देर करें, पता चलता चलिए तो आगे पीछे होने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करिए समान हो जाए, और नहीं होता तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखो क्या होता है ना, कई बार आप लोग प्रश्न करते हो दीदी सांसों पर, सांसों को कैसे करें, सामान्य चलने दीजिए बस, वो अपनी गति समझते हैं, उनको किस दिशा में जाना है, कब क्या करना है, बस आप उनको बहने दीजिए। पर आपको ध्यान ही रखना है कि सांसों पे आपको ध्यान करना है, आपको सांसों के साथ बहना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपने देखा हम कंधासन करते हैं, वो उत्तान पादासन करते हैं, अच्छा इसके सारे उत्तान पादन आसन कर रहे हैं। अभी देखिए आप यहाँ से देखेंगे ना कि पीठ का पूरा हिस्सा ये बहुत ढीला है, हमारी भाभी थोड़ी पहले मुड़ी थी तो पतली हो गई है, ये देखिए पेट का पूरा हिस्सा उठा हुआ है यहाँ तक का, ठीक है ना। और आप चाहें तो थोड़ा और भी उठा सकते हैं, केवल कंधे भूमि पर रह जाए, ये देखिए कंधे अब टिके हुए खाली और पूरा शरीर उठ गया है, हाथ भी उठा दिए हैं, तो बस हल्के से पेट टिके हुए नीचे जाइए, सांस भरते हुए ऊपर स्थिर हो जाइए, सांस नॉर्मल चलने दीजिए। ये जो अभ्यास है ना पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि अभी तक हमने जो फैलाया था हम इसको थोड़ा सा सिकोड़ रहे हैं, बस आप मस्ती से फटाके लोग फोड़ते हैं। भारत एक ऐसा देश है ना मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ यदि हम केवल अपने त्योहार ही मना ले ना तो हमें किसी और मनोरंजन की आवश्यकता नहीं, बस त्योहार हम उसकी सात्विकता के साथ मनाए, ना कि जैसे नवरात्रि में लोगों ने झंडा कर दिया, झंडा कर दिया बस उसके भाई वो शब्द आ जाते हैं कभी कभी, नवरात्रि को लोगों ने बहुत बिगाड़ दिया है, नवरात्रि को तो लोगों ने फैशन परेड बना दिया है, किंतु मुझे अभी भी गर्व है इस बात का कि अभी भी छठ पूजा जो है ना बहुत परंपराओं के साथ मनाया जाता है। और वैसे मैं रविश कुमार की समर्थक नहीं हूँ, पर एक फोटो देखा था मैंने रविश कुमार का, कि भले वो इतना बड़ा पत्रकार है जो भी है, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या स्थिति है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से आया कहूँ तो मुझे उसके जीवन में कोई रुचि नहीं है, पर एक फोटो देखा था रविश कुमार का, उस सर पे टोपी लेके जा रहा है, बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप किसी भी लेवल में हो लेकिन आप अपनी परंपराओं को निभाते हो, परंपराएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कोई कैसा भी हो लेकिन उसकी अच्छी बात अच्छी ही होती है, इसीलिए श्री राम ने रावण के पास जब रावण की मृत्यु का समय था ना तो लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ, क्योंकि जो है वो सच्चाई है और जिसकी जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है, और हम उसको स्वीकार करते हैं तो ये हमारे अहंकार को नाश करने के लिए आवश्यक है, और अहंकार जो है ना मित्रों अहंकार हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। देखो मैं उधर से वैसे किया था, ये उल्टा पहले भी किया था पर ये नहीं हो पाया था, अब ये थोड़ा असर हो गया, और एक बार में नहीं होता ऐसे चार चार सेट कर लीजिए, तीन तीन सेट कर लीजिए, जितना हो जाए उतना कर लीजिए, कहा ना। पांच चालीस हो गया, व्यायाम पूरा करती हूँ क्योंकि मुझे पूजा देखने जाना है, मैं जहाँ भी होती हूँ ना छठ पूजा पे, मैं तालाब में अवश्य तालाब पर अवश्य जाती हूँ, तालाब में तालाब पर अवश्य जाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा देखने में बड़ा आनंद आता है। चलिए पूरा आरती करते हैं, तीन होता है कभी कभी, चलिए तीन सांसों के ध्यान के साथ अपने सांसों को सामान्य करते हैं, थोड़ी गति है उसके बाद ओंकार,
यदि मन शांत हो गया है और देर बैठना चाहते हैं तो सांसों पे ध्यान करते हुए बैठे रहिए 5-10-15 मिनट, जिससे आपको और अच्छा लगेगा। बैठने के बाद जब उठना हो तो दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाइए, आपस में घर्षण करिए, हाथों में गर्मी और उष्मा आएगी, ऊर्जा होती है उसको हम अपने पूरे शरीर को देते हैं। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास स्वयं हमारे जीवन का परमावश्यक है। हथेलियों की उष्मा जो हम आँखों से लगाते हैं ना, दिन में 10 बार ये करिए, आपकी आँखों को बहुत आराम मिलेगा। आँखें मसलने के स्थान पर ये करिए, चेहरे पे घुमाइए, छाती पे, पेट पे, दोनों पैरों पे हाथों को घुमाइए, दोनों कंधों से घुमाते हुए हथेलियों तक लाइए, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, ऐसे हाथ खोल के, उसके बाद हाथों को देखते हुए आँखें खुलेंगे। ओम ओम, आप सभी को प्रणाम। और ये धरती माता को प्रणाम, गंगा प्रेमा, हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। योग करो, रोज करो और निरोग रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम।